व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं फिर से आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। नॉट दैट एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक। कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, मैं कोई भी गैजेट के साथ नहीं आया हूँ। इट इज़ अ वेरी सैड टॉपिक फॉर मी एंड इट हैपन टूडे विद मी एंड आई एम वेरी सैड अबाउट इट। इट इज़ फेस्टिवल, दिवाली थी, आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैं ये रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, बट इवेंचुअली आई थॉट ये लोगों को एक्चुअली मुझे बताना पड़ेगा कि वो हाउ इज इट हैपनिंग एक्चुअली। सो आई एम वेरी सैड अबाउट इट एक्चुअली। और मेरा मन नहीं बिल्कुल कर रहा है रिकॉर्ड करने का, बट आई अंडरस्टैंड दैट पीपल हु माइट गेट इनटू इट। सो आई होप आपको अब तक पता चल गया होगा मैं किस चीज़ बात कर रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली रिगार्डिंग साइबर स्कैम, क्राइम, जो भी कह लें आप, ऑनलाइन स्कैम जो आजकल चल रहा है। पीपल आर यूजिंग लॉट ऑफ gateways, lot of tools to actually transfer and do lot of payments, जैसे कि Paytm, फोन पे, गूगल पे, भीम, lot of things now. So हुआ ये कि आज मॉर्निंग में जब मैं उठा मैं घर में साफ सफाई, दिवाली के एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट, सारा काम कर रहे थे हम लोग। सो मुझे फोन आता है अराउंड 10:30 फ्रॉम आई अननोन नंबर। आई पिक इट अप एंड ट्रू कॉलर था मेरे फोन में, उसमें ठग लिखा हुआ था। तो अपेरेंटली आई वॉज अवेयर कि ये कौन है, बट देन ऑल्सो आई एम टेक्निकल पर्सन, मैं जॉब कर रहा हूँ बहुत साल से, एंड यू रीड आई एम मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस है तो मैं पढ़ता रहता हूँ बहुत इन चीज़ों के बारे में। सो पहले जैसे उसने मुंह खोला मैं समझ गया था दिस इज अ स्कैम। सो भाई साहब, पहली बार तो उन्होंने हाय हेलो किया, सर आप फोन पे यूज़ करते हैं बहुत टाइम से? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं यूज़ करता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आप यूज़ करते हैं बस डेटा ये वो। तो मैंने कहा ठीक है सर, हाँ मैंने रिसेंटली यूज़ करना चालू किया, बताया। तो आई वॉन्टेड टू गो विद द फ्लो, मैं देखना चाहता था कि कहाँ तक ये बात जाती है, मैं परसेप्शन नहीं बनाना चाह रहा था। तो उन्होंने बोला भाई साहब कि आपका एक बहुत बड़ा कैशबैक आया है करीबन 2,500-3,000 रुपए का, जो आपको दिख नहीं रहा है। मैंने कहा यार यू गेव इट अवे, मतलब मेरे को तुरंत समझ में आ गया ये है। बट देन ऑल्सो आई प्लेड लाइक मुझे कुछ नहीं आता, एंड देन आई आस्क्ड हिम कि और कैसे होगा, फिर मुझे कैसे मिलेगा दिवाली के दिन, आपने मेरा दिन बना दिया ऑलमोस्ट एज। सो ही सेड कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। और आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ ऑनली, उस समय मैं सो के उठा था, आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड, चाय पी हुई थी मैंने। सो ही सेड कि ये QS करके एक ऐप था, एंड जैसे आप मैंने प्ले स्टोर ऐप खोला उसमें साफ साफ लिखा था कि ये ऐप है। और मैं टेक्निकल पर्सन, मुझे समझ में आ गया कि आप फोन रिमोट पे ले लेता है आप जैसे। तो क्या होता है कि एक कोड होता है, आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, रिमोट पे IT के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही लेते हैं। अगर आप इंटरनेट भी नहीं यूज़ करो तो कोड आप शेयर करोगे तो रिमोट पे ले लेते हैं। सो मुझे पता था, मैंने देखा, तो मैंने ऐप इंस्टॉल किया। भाई साहब बार बार मुझसे कह रहे कि आई एम वेरी सैड कि मेरी कंपनी ने आपको बताया नहीं मेरे बारे में, मेरी कंपनी ने आपसे अब तक टच बेस नहीं किया। तो मैं बोला था हाँ हाँ नहीं किया नहीं किया। तो फिर मैंने वो ऐप इंस्टॉल किया, तो ऐप इंस्टॉल करते ही वो कोड आया सामने। और मैंने बाय द वे ऐप इंस्टॉल नहीं किया था, मैं बस आई वाज प्लेइंग अराउंड, मैं बोला था हाँ कर लिया है। तो उन्होंने आते ही मेरे को बोला कि वो 9 डिजिट का कोड आ रहा है, आप मुझे बताइए। मैंने कहा उसी समय आई सेड कि पागल बना रहे हो यार, सुबह सुबह दिवाली का दिन है, आर यू गाइस प्लेइंग? एंड ऑब्वियसली इतना स्मूथली मैंने नहीं बोला था, मैंने तो काफ़ी कुछ वर्ड भी यूज़ किए। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड सर आप नहीं फंसे हो, कोई और भी फंस जाएगा। एंड ही वाज मॉकिंग अबाउट इट कि कोई नहीं, और भी लोग हैं जो फंस जाएंगे इसमें, आप चिंता ना करो। एंड उसने फ़ोन रख दिया। देन आई कॉल्ड, तो ऑब्वियसली उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, आई वॉज नॉट एबल टू रीच। मैंने पता कि इसके बारे में तो ऐसा ऑनलाइन बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर हुई थी, तो मेरा एक उसमें बन गया कि मुझे भी ये चीज़ अपने तरफ से शेयर करनी, भी जो भी एक क्राउड को मैं रीच कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँ। तो गाइस, फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस हियर, कि पहला ट्रू कॉलर जरूर, आई डू नॉट सपोर्ट इट, बस मेक श्योर दैट आप ट्रू कॉलर रखो, क्योंकि ये नंबर ना लोग स्पैम में डाल देते हैं, वो तो आपको पता चल जाता है कि यार ये नंबर सही नहीं है, स्पैम है या कुछ भी है। तो ट्रू कॉलर रखो अपने फ़ोन में, दिस इज एक्चुअली यूजफुल। और उसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड चीज़ मैंने किया, मैंने अपने घर में सबको बुलाया, मेरी सिस्टर को, मेरे मॉम एंड डैड, जो अभी अभी ऑनलाइन बैंकिंग अभी स्टार्ट किया उन्होंने यूज़ करना, उन्होंने मल्टीमीडिया फ़ोन अभी ये टच स्क्रीन फ़ोन और UPI वगैरह यूज़ करना किया। तो मैंने उन सबको बुलाया, नहीं मेड श्योर कि मैं पूरा इंसिडेंट को बताऊँ उनको, मेक श्योर किया कि कोई भी बंदा आपसे कोई भी डिटेल मांगता है डू नॉट शेयर इट एनी पर्सनल डेटा, पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं करने। तो आई मेड श्योर मैं अपनी फैमिली को बैठा के ये चीज़ बताऊँ। सेकेंड चीज़ आपको गाइस ये करनी है, मेक श्योर इस दिवाली आप सबको घर में बैठा के, ऑब्वियसली सब लोग पढ़े लिखे, बट देन ऑल्सो मिस्टेक हो जाती है, तभी इनका धंधा चल रहा है, ठीक है। लालच ऐसी चीज़ है जो आपसे करवा देती है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये करनी है,
थर्ड चीज मेरा तो यही है कि आप ज्यादा एप्लीकेशंस ना यूज करें, चाहे सच मतलब फोन पे पेटीएम ठीक है बहुत सारे सब कैशबैक दे रहे हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ज्यादा ना यूज करें, भीम यूज कर लें या गूगल पे, जितने ज्यादा ऐप यूज करेंगे हर जगह कार्ड सेव्ड होगा तो इट कैन एक्चुअली कॉस्ट यू वन फाइन डे। सो मेरा ये कि आप ज्यादा कम से कम एप्लीकेशन यूज करें ट्रांसफर ऑफ मनी करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, पेमेंट करने के लिए कम से कम एप्लीकेशन यूज करें बिकॉज इट इज नॉट सेफ आउट देयर। आई वॉज रियली सैड बिकॉज मेरा खुद का चैनल है, बजट में मैं पैसे जोड़ के गैजेट्स वगैरह अनबॉक्सिंग करता हूँ, आई नो हाउ इट फील। सो किसी का शायद 15,000 रुपए हो इस दिवाली एंड दैट पर्सन कैन स्टील दैट 15,000 एंड वो दिवाली उसकी खत्म हो गई वहीं पे, एंड लोगों की 15,000 रुपए सैलरीज होती है गाइज। सो अगर कोई भी स्कैमर दे खड़ा हो यार गाइज मत किया करो ऐसा, इट इज इट विल नॉट हेल्प यू, आप तरक्की नहीं कर पाओगे उन पैसों से। और मेरे को नहीं पता है पुलिस भी इसमें क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, साइबर क्राइम वाले, मैं नंबर जरूर फ्लैश करता रहूंगा लगातार पूरे टाइम वीडियो में नंबर फ्लैश होता रहेगा जो नंबर था, ताकि मेक श्योर करूँ कि आप लोग भी नंबर को स्पैम कर दें अपने अपने नंबर्स में, बिकॉज वो बहुत स्मूथ बातें कर रहा था, लग रहा था कि वो बहुत लोगों को बना चुका है। एंड बहुत सैड डे आज मेरे लिए, दिवाली है, बट आई थॉट कि ये वीडियो जरूर बनाना है। सो अगेन मेक श्योर ये कुछ स्टेप्स आप फॉलो करें, और कार्ड हर जगह ना सेव करें, हर वेबसाइट्स पे ना सेव करें, दैट्स वन थिंग एज वेल, ज़्यादा सेव ना करें कार्ड्स और इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें लोगों के साथ, बस यही है। एंड फोन गलत लोगों के हाथ में ना दें, मतलब आप अपना फोन हर किसी को ना दें, दैट्स वन थिंग, बिकॉज आजकल सब क्या UPI से ही हो जाता है, तो सबको फोन ना दें और कैशबैक के चक्करों में ना फंसें, बस यही है। एंड फाइनली हैप्पी दिवाली गाइस, विश यू अ ग्रेट ईयर इसके बाद, खूब सारी रोशनी आपके जीवन में, आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ें, और मैं आज नहीं कहूँगा मेरे को सपोर्ट करो कुछ करो, बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी, ये नंबर आप याद रखें, और ऐसा कोई भी आपको आए जो कैशबैक दे, आपको बोले आपका यहाँ पैसा फंसा है, आपको ये सामान मिल रहा है, आपको कोई स्कैन करने को बोले, प्लीज़ 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 मत करिए, ध्यान से पढ़िए वो चीज़ें, बिकॉज इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, पूरा पूरा साफ कर सकते हैं। आप सोचिए अगर आपका फोन, वो मेरा फोन अगर रिमोट पे ले लेता, उसको सारा एक्सेस था, सब कुछ OTP से लेके सब कुछ। सो प्लीज गाइज मेक श्योर आप अपने फैमिली मेंबर को सब समझाएं, बिकॉज अनजाने में हो सकता है उनसे, आप पढ़े लिखे हैं आप ये सब चीज़ें जानते हैं, बट आई थिंक फैमिली मेंबर्स को बताना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर आप अपनी फैमिली मेंबर्स को बैठा के अच्छे समझाएं कि फोन हर किसी को नहीं देना है, अगर आप वो लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, और इन कॉल से बच के रहना है, ट्रू कॉलर इंस्टॉल करें, ये सारी चीज़ें मैंने बताई आप करें, और इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों को पहुंचाएं, ताकि ये लोग ब्लॉक करें, आप अपने फोन में भी ब्लॉक कर दें नंबर, जस्ट सेव करके ब्लॉक कर दें, इट विल बी हेल्पफुल। सो थैंक यू गाइज, यही है, इतना सा वीडियो है, और बी सेफ जहाँ पे भी हैं, सही रहें, अपने मेहनत के पैसों को बचा के रखें, और देखते रहें अ गाय ऑन बजट चैनल। थैंक यू, सी यू सून।